हाय गाइज़ वेलकम टू माय चैनल एथिकल हर्ष सो गाइज इस वीडियो में नेस्टेड वाइल लूप सीखेंगे तो हम इससे पहले वाइल लूप को समझ चुके हैं कि कैसे हैं और उससे प्रोग्राम्स भी कर चुके हैं तो नेस्टेड वाइल मींस वाइल के अंदर वाइल मतलब वाइल के अंदर वाइल मतलब के अंदर वाइल भी आपसे नेस्टेड आप डाल सकते हो एक वाइल है फिर उसके बाद वाइल है तो हमें जैसे सिंटेक्स पता है वाइल का सिंटेक्स क्या होता है वाइल पाइथन की बात कर रहा हूँ वाइल और यहाँ पर जो भी आपकी कंडीशन होगी अगर वो ट्रू है तो तब तक ये उसके नीचे वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती रहेंगी मतलब जब तक ये स्टेटमेंट ट्रू रहेगी मैं कहूँ वाइल एन इज लेस देन टेन जब तक एन की जो भी वैल्यू है तब तक तो वो टेन से uh, नीचे रहेगी तब तक ये एग्जीक्यूट होता रहेगा और यहाँ पे मैं एन इक्वल्स टू एन प्लस वन एन को आइट्रेट uh, करता रहा हर बार जैसे एन की वैल्यू सात है तो फिर एन प्लस वन आठ हो गई नौ हो गई और नौ से नीचे फिर दस हुई तो दस पे क्या होगा कि ये एग्जिट हो जाएगा लूप तो ये एग्जीक्यूटर नहीं बंद हो जाएगी तो वाइल के अंदर वाइल की बात करें तो वाइल ये है और उसके बाद आइडेंटेशन का ख्याल रखें हमें वाइल एक और हमने कुछ ऐसे कंडीशन uh, लगा दी और उसके नीचे वो एग्जीक्यूट होना तो नेस्टेड वाइल का यही मतलब है कि वाइल के अंदर वाइल तो बेसिक वाइल आप समझ लेना मेरी वीडियोस से उसके बाद आपको अच्छे से समझ आएगा तो इस वाइल के अंदर सेंटेक्स तो वाइल का वही होता है लेकिन हम इसमें प्रोग्राम करेंगे एक पर्टिकुलर जिसमें टू टू एन मतलब मैं नंबर प्रिंट करवाऊंगा जैसे मैं आपको कहूँगा एक आप एन नंबर में यूज़र से लेता हूँ यूज़र कहता है टेन तो मैं टेन तक जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं ना वो मैं प्रिंट करवाऊंगा और प्राइम नंबर्स हम सब जानते हैं कि जो सिर्फ़ अपने आप से डिविज़िबल होते हैं कि मतलब जैसे कि आ, फाइव एक प्राइम नंबर है टू प्राइम नंबर है मतलब ऐसे ही जो नंबर्स हैं ये हमारे प्राइम नंबर से तो ये प्रिंट करवाऊंगा सेवन प्राइम नंबर है क्योंकि सिर्फ वो सेवन से डिवाइड होता है ठीक है तो ऐसे कि अब मैं कहूँ नाइन प्राइम नंबर है तो नहीं क्योंकि नाइन को थ्री डिवाइड कर देता है कम्प्लीटली डिविजिबल है तो नाइन प्राइम नंबर नहीं है तो प्राइम नंबर प्रिंट करवाने तो इसमें हमारे नेस्टेड वाइल यूज़ होंगे कैसे अब मैं आपको बताऊं जैसे कि अगर आपने मेरा इससे पहले वाला प्रोग्राम देखा हो जिसमें मैंने ये प, मतलब कोई भी नंबर लिया यूज़र से एन और उसमें हमने पता लगाया कि वो प्राइम है या नहीं तो उसका जो भी लॉजिक था उसको इसमें डालना है हमें ठीक है वो वाला लॉजिक वो पूरा का पूरा सेम रहेगा अब इसका लॉजिक क्या है जैसे मान लो गाइस मैंने एन लिया किसी यूज़र से सेवन ठीक है तो अब मुझे टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एक लूप तो मेरा चलेगा आई जो कि आई टू से स्टार्ट होगा फिर थ्री फिर फोर फिर फाइव फिर सिक्स फिर सेवन तक जाएगा मतलब एन कितना है सेवन तो सेवन तक जाएगा ठीक है एक लूप तो यह चलेगा कि इसको हाइट्रेट करता रहेगा मतलब पहले टू पे आएगा फिर थ्री पे आएगा और एक लूप ये होगा जैसे मान लो मैं उस मेरा एक जे है जे मान लो मैं फ़ाइव पे पहुंचा तो फाइव पे पहुंचने के बाद मैं ये चेक करूंगा उसको टू से ले कर तक डिवाइड मतलब करूँगा कि टू से थ्री थ्री से फोर तो इन तीनों से उसको एन माइनस में मतलब फाइव से लेके उससे नीचे से सबसे डिवाइड करके देखूंगा अगर वो डिवाइड हो के उसका रिमाइंडर जीरो के इक्वल आता है तो वो प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि उसको टू डिवाइड कर रहा है या थ्री डिवाइड कर रहा है या फोर डिवाइड कर रहा है तो वो प्राइम कैसे होगा इन तीनों में से किसी एक ने कर दिया जैसे कि फ़ाइव को इन तीनों तीनों में से कोई भी डिवाइड करता है तो उसका रिमाइंडर ज़ीरो तो नहीं आएगा फाइव का अगर मैं टू से फाइव को डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा थ्री को करूँ फ़ाइव से रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आएगा कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है और फोर से बिल्कुल भी नहीं तो ये प्राइम नंबर हो जाएगा तो हमें ये प्रिंट करवा देना है ऐसे आगे सिक्स चेक करना है ये वाला नंबर चेक करना है ये वाला चेक करने के लिए फिर वही आइट्रेशन चलेगी फिर टू थ्री टू से हमने डिवाइड किया तो टू से तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया फिर आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है तो ऐसे इस हिसाब से ये इसका लॉजिक बैठेगा तो प्रोग्राम करेंगे उसके बाद ड्राई रन करेंगे तो अच्छे से समझ आएगा तो सबसे पहले हमें एन चाहिए तो एन हमें यूज़र से कैसे लेना है हमें पता है कि हमें यूज़र से इनपुट ऐसे लेनी है तो हमने इनपुट ली स्ट्रिंग में इनपुट आती है और एंटीजर में कन्वर्ट हो गई अब एक में लेता हूँ टू ठीक है आई इक्व टू टू मैं ले लेता हूँ एक वेरिएबल ठीक है जो मैं टू से स्टार्ट करूँगा ठीक है और वाइल अब मैं कहता हूँ आई इज़ लेस देन इक्व टू कहाँ तक चले एन तक जब तक कि आई एन से लेस है तब तक कि ये वाला लूप चलेगा तो ड्राइगन करेंगे उस से अच्छे से समझ आएगा अभी हम क्या करते हैं एक मैं ले लेता हूँ डी मान लो इसको क्योंकि मुझे इससे डिवाइड करना है डिवाइड कर करके देखना है तो मैं टू से डिवाइड मतलब डिवाइड करके स्टार्ट करना है टू से करूँगा थ्री से करूँगा फोर से करूँगा जैसे मान लो नंबर सेवन है तो सेवन को मैं टू से लेकर कर सिक्स तक मैं डिवाइड करता रहूँगा हर एक नंबर से और अगर उसका रिमाइंडर जीरो कहीं पर भी आ गया तो समझ लो वो प्राइम नहीं है और अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हुआ मान लो रिमाइंडर वन आ रहा है टू आ रहा है तो समझ लो वो प्राइम है ठीक है तो इनिशियली मैं क्या करता हूँ एक फ्लैग नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ इसके अंदर मैं फॉल्स मतलब बुलियन को रख देता हूँ क्योंकि मैं इसको ट्रू करवाऊंगा एक जगह पे इसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा बस मैंने सिर्फ इसको इनिशियली एक वेरिएबल लिया फ्लैग नाम से उसको मैंने फॉल्स कर दिया इनिशियली कि अभी वो फॉल्स है ठीक है अब मैं दूसरा वाइल लगा रहा हूँ और आप देखोगे कि ये मैंने अच्छे से इंडेंट किया हुआ है कि मतलब वाइल के अंदर मेरा वाइल है इसका मतलब वाइल के अंदर ये जितनी भी स्टेटमेंट चाहिए सारी वाइल के अंदर है तो वाइल के अंदर ही ये वाला भी वाइल है अब मैं करता हूँ वाइल डी इज लेस देन आई अब जब तक जो d है जिसमें तो मैं डिवाइड कर रहा हूँ टू थ्री वो i से छोटा होना चाहिए तब तक इक्वल नहीं छोटा क्योंकि जैसे सेवन है तो मैंने क्या कहा सिक्स तक डिवाइड करके देखेगा टू से लेकर सिक्स तक सेवन तक नहीं तो सेवन तक करना होता तो मैं इक्वल टू तो लगाता लेकिन सेवन तक का लॉजिक ही नहीं क्योंकि सेवन से अगर मैंने डिवाइड कर दिया तो वो तो रिमाइंडर आई ही जाएगा ज़ीरो तो इसलिए मैं सिर्फ सिक्स तक चेक करूँगा ठीक है अगर ऐसा है तो अब मैंने सही से इंडेंट किया मतलब अब अगर ऐसा मतलब वाइल्थ यह तब तक ऐसा चलेगा ट्रू रहेगा तो क्या होगा इफ जो हमारा आई है अगर मैं उसको डी से डिवाइड करता हूँ राइट और अगर वो रिमाइंडर उसका ज़ीरो आ जाता है अगर ऐसा आ जाता है तो मुझे सिंपली कुछ नहीं करना फ्लैग कर देना है ट्रू ठीक है फ्लैग को ट्रू कर दिया मैंने और डी क्वस डी प्लस वन ये कर देना मुझे डी को आइट्रेट कर देना एक बढ़ा देना है डी को और यहां पे मैं करता हूं इफ नोट फ्लैग मतलब कि अगर फ्लैग फॉल्स है तो क्या होगा प्रिंट कर दो आई ठीक है इसको मैं ड्राई रन करूँगा तो आपको और अच्छे से समझ आएगा कि क्या लॉजिक क्या चल रहा है और यहाँ पे आप कर दो आई इक्वल्स टू आई प्लस वन आई को आई ड्रेट करता हूँ सो गाइज एक बार इसको मैं रन करके देखता हूँ जैसे मान लो मैं टेन लिखता हूँ तो टेन तक जितने भी प्राइम नंबर थे ना वो प्रिंट हो गए इसको हम ड्राई रन करते हैं तो सबसे पहले गाइज़ एन मैंने लिया एन मेरे पास आया टेन ठीक है भाई मैंने टेन ले लिया एन आई टू एक आई हमारे पास वेरिएबल है जिसके अंदर जो वैल्यू है टू और एक डी है डी के अंदर भी क्या है मान लो डी के अंदर भी टू है ठीक है फ्लैग को ले लिया फॉल्स अब ये वाला जो लूप है ये क्या कह रहा है कि वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू एन जो आई है मतलब कि वो टू से स्टार्ट हो रहा है और वो जब तक चलेगा जब तक कि वो टेन तक नहीं आ जाता मतलब आई अगर टेन हो गया इलेवन हो गया तो वो नहीं चलेगा सिर्फ आई टेन तक ही चलेगा ठीक है हमें समझ आ गया कि भाई जो आई है वो टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तक चलेगा इलेवन पे वो नहीं चलेगा क्या ये वाला पूरा ये डी तक जो भी है ये पूरा ये नहीं चलेगा ये जितना भी इसके अंदर आ रहा है ना ये सिर्फ तब तक चलेगा जब तक कि आई टेन तक है इलेवन पे तो नहीं चलेगा अब आई तो ठीक है टू है अभी और टेंथ तक चलेगा अब दूसरा लूप क्या कह रहा है? वाइल डी इज़ लेस देन आई तो ये कब शुरू होगा जब जो डी है वो आई से छोटा होगा लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि डी तो आई के इक्वल है तो मतलब ये वाला तो चलेगा ही नहीं ये चीज़ चली ही नहीं ये वाला वाइल यहाँ से लेके ये डी तक चला ही नहीं फिर सीधा आ गया इफ़ पे इफ़ नॉट फ्लैग मतलब कि फ्लैग फॉल्स है वैसे इनिशियली क्या होता है इफ़ फ्लैग लिखता तो मतलब कि ट्रू होता लेकिन मैं लिख रहा हूँ इफ़ नॉट फ्लैग मतलब कि फ्लैग फॉल्स है तो फ्लैग अभी फॉल्स है फ्लैग तो ट्रू हुआ ही नहीं क्योंकि यहाँ आया नहीं अगर फ्लैग फॉल्स है तो प्रिंट कर दो आई तो आई प्रिंट कर दिया तो मैं यहाँ पे प्रिंट वाली स्टेटमेंट लिख लेता हूँ कि प्रिंट क्या क्या हो रहा है प्रिंट क्या हुआ प्रिंट हो गया आई आई क्या था टू तो टू प्रिंट हो गया और आई को हाइड्रेट कर दो अब आई हो गया थ्री टू क्योंकि i इक्वल्स टू आई प्लस वन है तो i इक्वल्स टू टू प्लस वन थ्री अब फिर से स्टार्ट हुआ गाइस फिर फिर चेक किया कि थ्री इज लेस देन टेन है बिल्कुल है अगर ऐसा है तो फिर दोबारा स्टार्ट हो फिर d को हमने टू असाइन कर दिया d को टू असाइन है फ्लैग को फॉल्स कर दिया ठीक है वाइल d इज लेस देन i जो टू है वो i से छोटा है बिल्कुल सही बात है छोटा है तो यहाँ पे आ जाओ ये वाला ये सेक्शन पे आ जाओ अब इस सेक्शन पे क्या आ रहा है इफ आई को अगर हम डिवाइड करें डी से आई को मतलब थ्री को डी से डिवाइड करके रिमाइंडर जीरो आ रहा है तो टू इंटू वन किया टू आएगा लेकिन रिमाइंडर तो फिर भी वन बचेगा ना तो ऐसा नहीं आ रहा तो ऐसा नहीं आ रहा तो फिर क्या होगा डी को आइटरेट कर दो एक और से प्लस वन ठीक है अब जब डी को आइटरेट किया तो टू से हो गया थ्री फिर उसके बाद तो फिर से लूप चला क्या थ्री इज लेस देन आई है मतलब डी इज लेस देन आई जो डी है हमारा थ्री है वो लेस देन आई है तो थ्री लेस देन थ्री तो नहीं है तो ये वाला तो फिर एग्जीक्यूट नहीं होगा फिर फ्लैग क्या हो गया फ्लैग इफ़ नॉट फ्लैग मतलब कि फ्लैग फॉल्स है अभी भी फ्लैग फॉल्स है तो प्रिंट कर दो आई आई भी प्रिंट हो गया थ्री अब उसके बाद जब ये हो गया तो उसके बाद i को स्टू आई प्लस वन कर दो i को i प्लस वन थ्री प्लस वन मतलब फ़ोर i तो फोर हो गया जी अब अब फिर से स्टार्ट हुआ क्या फोर इज लेस देन टेन है बिल्कुल तो सही बात है अगर ऐसा है तो इसके अंदर सारा आ जाओ फिर से डी की वैल्यू क्या होगी टू डी की वैल्यू थ्री होगी थी ना डी की वैल्यू फिर से टू कर दी मैंने फिर फ्लैग फॉल्स कर दिया ठीक है फिर चेक किया कि वाइल डी इज़ लेस देन आई जो डी है टू है वो फोर से छोटा है तब तक चलेगा मतलब कि थ्री तक टू और थ्री तो इफ आई जो आई है हमारा फोर उसको अगर हम डी से डिवाइड डिविजिबल करें ठीक है और उसका जो रिमाइंडर ज़ीरो आता है बिल्कुल टू इंटू टू फोर रिमाइंडर आता है जीरो तो अब फ्लैग हो गया ट्रू पहले फॉल्स था ना अब फ्लैग हो गया ट्रू ट्रू मतलब मैंने यहाँ पे क्या दिखाया कि ट्रू मतलब प्रिंट नहीं करना कुछ भी तो ट्रू होते ही क्या हुआ गाइस जैसे ही ट्रू हुआ फिर उसके बाद इफ नो फिर ज, जैसे ही ट्रू हुआ ना तो डी को टी प्लस वन पे फिर से चेक हुआ मतलब यहाँ पे फिर से लूप स्टार्ट हुआ तो फिर चेक हुआ तो फिर हमें पता चल गया कि जब ट्रू आ गया तो इफ़ नॉट फ्लैग मतलब कि इफ फ्लैग फॉल्स है तो प्रिंट करो आई नहीं तो आई की वैल्यू बढ़ा दो तो सिंपली क्या हुआ कि जो फ्लैग है इफ़ नॉट फ्लैग मतलब कि फ्लैग फॉल्स है फ्लैग तो ट्रू हो गया तो फ्लैग फॉल्स है नहीं मतलब आई को प्रिंट नहीं करना तो सिर्फ आई की वैल्यू बढ़ा देनी तो आई की वैल्यू हमने बढ़ा दी मतलब कि जैसे ही फोर आया तो हमें पता चला कि ये प्राइम नहीं था तो हमने उसके बाद कोई रिएक्ट नहीं किया हमने सिर्फ उसको एक आइटरेट कर दिया और आगे बढ़ गए तो आई प्लस वन फाइव कर दिया तो ऐसे ही फाइव के लिए चेक किया और ऐसे ही सिक्स के लिए सेवन के लिए एट के लिए तो जो भी हमारी वैल्यू आएगी टू थ्री फाइव सेवन तो उतने ही प्राइम नंबर्स हमारे आ जाएंगे तो आप एक बार खुद से इसको ड्राई रन करो तो आपको और अच्छे से समझ आएगा जैसे कि मैं इसको एक बार हंड्रेड पे करके बता देता हूँ तो आप देखोगे कि ये हंड्रेड तक जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे वो सारे के सारे प्रिंट कर देगा तो ये इसका एक लॉजिक है और आपका कोई डाउट हो तो गाइस आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोस एंड प्रेस आइकन बटन फॉर न्यू नोटिफिकेशन